हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स और कुछ है गाइस हमारे पास कलर और एक है गाइस हमारे पास डोरेमोन का स्टेशनरी सेट। गाइस बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इन सारी चीज में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारी सी मरमेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, ये मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है और ये काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इस मरमेड प्रिंसेस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 200 पीस की चेस करी है। तो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ही गाइस पहले ढक्कन को ओपन करते ही हमें दो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। नीचे एक काफी बड़ा सेक्शन मिल जाता है, ऊपर एक और सेक्शन मिल जाता है और ऊपर वाले सेक्शन में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है और नीचे वाले सेक्शन में काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है। चलो बंद करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर क्या मिला हमें। अरे वाह, ये देखो एक लॉक, अरे वाह ये तो काफी अमेजिंग। इसके अंदर मिला है दोस्तों हमें बुक सेल्फ स्टैंड, अरे वाह काफी अमेजिंग। यानी बुक स्टैंड मिल गया है, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो यहां पे दोस्तों दो लॉक है, इन दोनों लॉक को इस तरह सेट करेंगे और इन दोनों लॉक को नीचे कर देंगे, फिर हम अपनी बुक को रख के काफी इजीली से स्टडी कर सकते हैं। तो बुक स्टैंड मिल गया दोस्तों, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त और इतनी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें बुक स्टैंड मिला है, देख सकते हो काफी जबरदस्त है। चलो मैं आपको बुक रख के दिखाता हूं। मान लो मेरी बुक ये है तो मैं क्या करूंगा, अपनी बुक को इस तरह रखूंगा और काफी इजीली से स्टडी कर सकता हूं। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है। तो ये बुक सेल्फ ज्योमेट्री बॉक्स है मरमेड प्रिंसेस की, आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो काफी अमेजिंग लगी और इसका लॉक तो वाकई में काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर, काफी प्यारी सी दोस्तों एक रोलिंग क्रेयॉन्स कलर पेन, काफी जबरदस्त है और ऐसे पेन आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। चलो पेन दिखाता हूँ और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रोलिंग क्रेयॉन्स कलर पेन कैसे लगे। और इस सेट को मैंने 100 रुपीज का परचेस किया है, तो देख सकते हो इसमें टोटल हमें 12 सेट्स मिलते हैं। एक कलर निकाल लेते तो देख सकते हो एक पेन निकाल लिया, ये है रोलिंग क्रेयॉन्स कलर। और वो कैसे, तो पीछे गाइस हम रोल करेंगे, आगे गाइस क्रेयॉन्स कलर निकलना चालू। ये देख सकते हो क्रेयॉन्स कलर, क्रेयॉन्स कलर की क्वालिटी दोस्तों काफी जबरदस्त है। और देखते इस पेन में हमें कितना बड़ा क्रेयॉन्स कलर मिलता है। तो रोल किया, ये देख सकते हो पीछे रोल किया, रोल किया, रोल किया, ये देखो दोस्तों जितना रोल करेंगे उतना बड़ा क्रेयॉन्स कलर निकलेगा इस पेन के अंदर से। टोटल गाइस इतना बड़ा क्रेयॉन्स कलर मिल जाता है। क्रेयॉन्स कलर की क्वालिटी देख सकते हो कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है। जितना भी गाइस यूज करना है हमें क्रेयॉन्स कलर, उसी हिसाब से हम रोल करेंगे इस पेन को, फिर क्रेयॉन्स कलर का यूज करेंगे दोस्तों। ये है दोस्तों रोलिंग क्रेयॉन्स कलर पेन, आपको कैसे लगे दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा एक नेल पेंट वाला हाइलाइटर, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है। और इस बॉक्स में टोटल हमें मिलते हैं 5 कलर के सेट। चलो बॉक्स से निकालता हूं, दिखाता हूं दोस्तों नेल पेंट हाइलाइटर, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये नेल पेंट हाइलाइटर कैसे लगे दोस्तों। तो ये देख सकते हो काफी अमेजिंग है। सबसे अच्छी बात है इन बॉक्स के अंदर अलग अलग तरह के सिक्वेंस भी भरे हैं, ये देख सकते हो, जो काफी गुड लुकिंग बना रहा है इन हाइलाइटर को दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है। तो चलो एक हाइलाइटर चला के दिखाता हूं ये हाइलाइटर कैसे चलते हैं। तो येलो कलर है तो इसे ओपन करते हैं, तो ढक्कन ओपन किया तो इसकी टिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, काफी मोटी टिप मिल जाती है। और चलता कैसा है तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है, काफी अमेजिंग चल रहा है। और इसके अंदर जो सीक्वेंस वगैरह है ना, ये काफी गुड लुकिंग बना रहा है हाइलाइटर को दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है, टिप भी काफी जबरदस्त है। और इस हाइलाइटर को दोस्तों मैंने परचेस किया ओनली 40 रुपीज का। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक डोरेमोन का स्टेशनरी सेट, और इस स्टेशनरी सेट को मैंने परचेस किया 400 रुपीज का। चलो बॉक्स से निकालता हूं और दिखाता हूं इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है और कितनी आइटम मिलती है। चलो फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और निकालते हैं गाइस इसके अंदर से ट्रे और आइटम, देखते हैं क्या क्या चीजें मिलती है दोस्तों। तो ये देख सकते हो ट्रे है, ट्रे के अंदर गाइस हमें मिलता है 1 2 3 4 5 छह आइटम मिल जाती है। छह आइटम कौन कौन सी है, सबसे पहले तो देखो दोस्तों इस सेट में हमें मिलती है एक जंपिंग रूप, वो भी डोरेमोन की, ये देख सकते हो हैंडल पे डोरेमोन की फोटो छपी है। ये है रूप दोस्तों, यानी रस्सी, इसकी रस्सी की क्वालिटी दोस्तों काफी जबरदस्त है और काफी बड़ी रस्सी भी है दोस्तों, काफी अमेजिंग जंपिंग रूप मिल गए इस स्टेशनरी सेट में। और देखते हैं इसके अंदर हमें
क्या मिलता है, तो इसके अंदर गाइज हमें मिलता है डोरेमोन का पेन। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग, और इसके ऊपर जो डोरेमोन की फोटो छपी है ना काफी अमेजिंग, और पीछे भी दोस्तों हमें डोरेमोन मिल जाता है। और इसमें दोस्तों हमें मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिफिल मिल जाते हैं। चलो एक रिफिल चलाते हैं, देखते हैं इनकी टिप कैसी है और पेन कैसा चलता है। तो ग्रीन कलर को नीचे करते हैं तो इसकी टिप देख सकते हो कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग है, और चलता कैसा है तो ये देखो दोस्तों ग्रीन कलर चलना चालू, काफी अच्छा भी चल रहा है, काफी अमेजिंग भी चल रहा है। जब मैं लिख रहा हूं तो ये देखो दोस्तों कितना गुड लुकिंग लग रहा है मेरे हाथों में, काफी जबरदस्त पेन मिल गया, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों पेन मिल गया। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर गाइस हमें एक डोरेमोन की पानी वाली बॉटल मिल जाती है दोस्तों, ये काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग और काफी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों। और इसमें एक की चैन मिल जाता है जिससे काफी इजीली से लटका सकते हैं इस बॉटल को दोस्तों, काफी जबरदस्त है। ढक्कन ओपन करते देख सकते हैं इसका कितना बड़ा मुंह है, इसके अंदर दोस्तों काफी इजीली से पानी भी भर जाएगा, काफी बड़ा मुंह मिल जाता है। और बॉटल की क्वालिटी की बात करते हैं तो देख सकते हो कितनी जबरदस्त है, मेरे हाथों से पिचक भी नहीं रही है ये बॉटल, समझ सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों बॉटल है। चलो बंद करते हैं और देखते हैं दोस्तों इस सेट में हमें क्या मिलता है। तो इस सेट में दोस्तों हमें मिलता है एक काफी सुंदर, काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो पीछे गए हमें अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही दोस्तों टेबल देखने को मिल जाते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे, फ्रंट में डोरेमोन की फोटो छपी है दोस्तों। ढक्कन ओपन करते हैं एक कंपार्टमेंट है और काफी अच्छा स्पेस है, इसमें हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो साइड रखते हैं और देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर गाइस हमें एक चीज मिलती है और ये क्या है दोस्तों, ये देखो दोस्तों ये है डोरेमोन का करेक्शन टेप। अरे वाह काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त यार करेक्शन टेप मिल गया इस सेट के अंदर, वो भी डोरेमोन का, काफी अमेजिंग। और देख सकते हो टोटल 8 मीटर की दोस्तों करेक्शन टेप मिलता है इस स्टेशनरी सेट के अंदर। तो साइड रखते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। तो इस सेट में गाइस हमें मिलता है 15 सेंटीमीटर का रूलर, ये देख सकते हो एक रूलर मिल जाता है, रूलर की क्वालिटी दोस्तों काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है। 15 सेंटीमीटर का रूलर है और इसके ऊपर भी डोरेमोन की फोटो छपी है। तो ये था डोरेमोन का स्टेशनरी सेट दोस्तों। और इस स्टेशनरी सेट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो सच बताओ ये जंपिंग रूप बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों। तो साइड रखते हैं और देखते हैं क्या है गाइस हमारे पास नेक्स्ट है। गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर, काफी प्यारी थी एक यूनिकॉर्न की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, ये काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स है। और ये देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में तो हमें व्हाइट बोर्ड भी मिल गया, अरे वाह काफी अमेजिंग। चलो पन्नी से निकालते हैं और देखते हैं ज्योमेट्री बॉक्स कैसी है और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो ये काफी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें इसके अंदर मिलती इतनी सारी चीजें मिल जाती है। तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मार्कर मिल गया, मार्कर मिला तो व्हाइट बोर्ड पे हम अपना वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मार्कर मिल गया, व्हाइट बोर्ड भी मिल गया काफी जबरदस्त। और मार्कर के साथ दोस्तों हमें डस्टर भी मिल गया। और क्या मिलता है इस सेट के अंदर, तो इस सेट में दोस्तों हमें मिलती है 2 पेंसिल, ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग, 2 काफी अमेजिंग गोल्ड पेंसिल मिल जाते हैं, यानी वुडन पेंसिल है। पेंसिल की साइज की बात करें तो पेंसिल का साइज भी काफी अमेजिंग है। और इनके पीछे दोस्तों हमें इरेजर मिल जाती है काफी जबरदस्त। और देखते हैं क्या मिलता है, तो इसके अंदर गाइस हमें ट्रांसपेरेंट एक शार्पनर मिल जाता है, साथ ही दोस्तों हमें इसके अंदर मिलती है एक इरेजर, ये देख सकते हो काफी अच्छी इरेजर मिल जाती है। और एक मिलता है दोस्तों 15 सेंटीमीटर का रूलर, ये देख सकते हो 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल गया, वो भी ट्रांसपेरेंट रूलर मिलता है। और क्या मिलता है, तो ट्रे पे दोस्तों देख सकते हो हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं, ट्रे हटाते तो नीचे कंपार्टमेंट है और काफी गहरा कंपार्टमेंट है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर। और क्वालिटी काफी जबरदस्त है और सबसे अच्छी बात है मेटल ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो व्हाइट बोर्ड पे वर्क करते हैं और देखते हैं व्हाइट बोर्ड की क्वालिटी कैसी है और मार्कर कैसा है दोस्तों। तो ढक्कन ओपन कर लिया, इसकी टिप देख सकते हो कितनी जबरदस्त है। चलो इस पे लिखते हैं, तो VVK लिख लिया, VVK मतलब मेरा नाम विवेक है इसलिए मैं VVK बोलता हूं। चलो इसे मिटाते हैं, देखते हैं व्हाइट बोर्ड कैसा मिटता है और किस क्वालिटी का व्हाइट बोर्ड है। ये देखो दोस्तों, अरे वाह काफी अमेजिंग, हमने डस्टर से मिटा दिया और पता भी नहीं चल रहा दोस्तों हमने इस व्हाइट बोर्ड पे कुछ वर्क भी किया था। काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों व्हाइट बोर्ड मिल गया, ये जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों यूनिकॉर्न की। और इस यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 120 रुपीज का परचेज किया है। तो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर, काफी प्यारा 2 लाइन वाला पेन सेट, काफी अमेजिंग है और ऐसा पेन सेट आपने कभी भी नहीं देखा होगा। और इस पेन सेट को दोस्तों मैंने 80 रुपीज का परचेज किया है। चलो बॉक्स से निकालता हूं और दिखाता हूं ये पेन कैसे है। तो 2 लाइन पेन है, 2 लाइन का पेन का मतलब होता है यानी डुअल टिप वाला पेन, काफी अमेजिंग है। तो एक पेन निकाल लिया तो ये देख सकते हो एक पेन में दोस्तों हमें मिलती है डुअल टिप और एक टिप तो मिलेगी ब्लू कलर की
और एक टिप मिलेगी गाइस कलर की। दोस्तों ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ही देख सकते हो इसके अंदर की टिप, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग। एक पैन में दोस्तों हमें दो टिप मिल गई, चलाते हैं तो दोनों टिप एक साथ चलेगी, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है ना, काफी प्यारा पैन, काफी अच्छी क्वालिटी का। चलो नेक्स्ट पैन दिखाता हूँ, नेक्स्ट पैन में देखते हैं हमें कौन सी टिप मिलती है। तो इस पैन में दोस्तों हमें ऑरेंज और ब्राउन कलर की टिप मिलेगी, तो ढक्कन ओपन करते हैं तो ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, चलाते हैं तो ये देखो दोस्तों एक बार में दोनों पैन चलेगा, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है, काफी प्यारा पैन है, काफी सुंदर पैन है दोस्तों। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक फोरोजन का दोस्तों चार कंपार्टमेंट वाली ज्योमेट्री बॉक्स, ये काफी अमेजिंग है, काफी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है और इस ज्योमेट्री बॉक्स में चलो देखते हैं कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो पहले ढक्कन को ओपन करते हैं, पहले ढक्कन को ओपन करते ही ये कंपार्टमेंट है और इस वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें एक दो तीन चार पांच पांच पेंसिल लॉक मिल जाता है दोस्तों, और इसके अंदर हम पांच पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। तो ये था पहला ढक्कन दोस्तों। चलो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सेकंड ढक्कन में भी दोस्तों हमें मिलते हैं पांच पेंसिल लॉक, यानी इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिल जाते हैं टोटल 10 पेंसिल लॉक दोस्तों, काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त। और फ्रंट में दोस्तों हमें एक और दो दो बटन मिल जाते हैं, पहले बटन को दबाए तो दोस्तों यहां देख सकते हो दो शार्पनर मिल गया, एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर मिल गया दोस्तों। चलो सेकंड बटन को दबाते हैं, सेकंड बटन को दबाते हैं एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आता है, इसके अंदर गाइस हम अपनी इरेजर या कुछ भी चीजें रख सकते हैं दोस्तों। चलो बंद करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है बैक साइड के, यानी तीसरे ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, काफी अच्छा स्पेस और काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो इसे बंद करते हैं, फोर्थ कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं, फोर्थ ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे भी एक काफी गहरा कंपार्टमेंट मिल गया, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो ये जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है और इस जंबो ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलते हैं चार कंपार्टमेंट, चार ढक्कन मिले, चार कंपार्टमेंट है, देख सकते हो काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। तो आपको ये जंबो ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काओ वाली ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग है, काओ लुक में काफी प्यारी है, काफी सुंदर है, लुक बिल्कुल काओ का है दोस्तों, ऐसा लग रहा है रियल की काओ है। और इसके पीछे देख सकते हो इसकी पूंछ है, चलो देखते हैं इसमें कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोस्तों। सारी इंट्रैक्शन इसके नीचे दी है, तो ये देखो दोस्तों ये क्या है, यानी इसके टायर को खोलेंगे तो इसके अंदर गाइस हमें मिलता है एक हिडन शार्पनर, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग यार, और किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर हमारा हिडन शार्पनर भी है दोस्तों। तो चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। पहले ढक्कन को ओपन किया तो पहले ढक्कन को ओपन करते दो कंपार्टमेंट है, एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, एक नीचे वाला काफी बड़ा कंपार्टमेंट है दोस्तों। चलो इसे बंद करते हैं, सेकंड ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो यहां पे भी एक काफी अच्छा गहरा कंपार्टमेंट मिल गया, और यहां देख सकते हो यहां हमें टेबल देखने को मिल गई, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है, काओ वाली ज्योमेट्री बॉक्स है। और सबसे अच्छी बात है व्हील है, जिससे दोस्तों हम टाइम पास भी कर सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के साथ, काफी प्यारी है, काफी सुंदर है। काओ वाली ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज किया 180 रुपीज का दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न का सीक्वेंस एंड ग्लिटर से भरा हुआ पैन, ये काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। यहाँ दोस्तों हमें एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाते ही दोस्तों लाइट ऑन हो जाती है, लाइट ऑन होते ही देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है ये पैन, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है। और इसके अंदर दोस्तों जो सीक्वेंस और ग्लिटर भरा है ना, ये काफी जबरदस्त और काफी अट्रैक्टिव बना रहा है इस पैन को। और इस पैन को दोस्तों मैंने 40 रुपीज का परचेज किया। चलो चलाते हैं और देखते हैं इसकी टिप कैसी है, कैसा चलता है पैन। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो टिप कितनी जबरदस्त, कितनी पतली टिप है, और चलाते हैं तो दोस्तों ये ब्लैक पैन है और काफी जबरदस्त स्विच चल रहा है, और बॉल पैन है दोस्तों, काफी सुंदर है, काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक स्पाइडरमैन की पोपट और गाइस स्पिनर वाला पैन, ये देख सकते हो। इस पैन में दोस्तों हमें स्पिनर भी मिल गया दोस्तों, और गाइस साथ ही पोपिट भी मिल जाता है इस पैन के अंदर दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है, और स्पाइडरमैन का पैन है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं दोस्तों, यहां से ढक्कन ओपन नहीं होगा, ढक्कन ओपन होगा इधर से दोस्तों, ये देख सकते हो इधर से ढक्कन ओपन होगा, और इसकी टिप देख सकते हो कितनी पतली, कितनी जबरदस्त, और चलता कैसा है तो ये जेल पैन है, काफी फास्ट भी चल रहा है, काफी अमेजिंग चल रहा है ये स्पाइडरमैन का पैन दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर, काफी प्यारा सा दोस्तों एक फ्लेयर का दोस्तों ब्रश पैन सेट, ब्रश पैन सेट को मैंने परचेज किया ओनली 250 रुपीज का दोस्तों, 250 रुपीज का नहीं 225 रुपीज का। चलो ढक्कन ओपन करता हूं, दिखाता हूं दोस्तों ये ब्रश पैन कैसे हैं और इनकी क्वालिटी कैसी है। तो ये देख सकते हो ब्रश पैन टोटल दोस्तों हमें 12 सेट्स मिलते हैं, तो एक पैन उठा लेते हैं, चलाते हैं पैन और देख
देखते हैं ये ब्रश पेन कैसे हैं। तो ढक्कन ओपन करते हैं तो ये देख सकते हो इसकी टिप कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है। काफी बड़ी टिप है दोस्तों, काफी जबरदस्त चल रही है और जितना लेटा के चलाएंगे दोस्तों उतना मोटा चलेगा ये पेन। ब्रश पेन है काफी अमेजिंग, ब्रश की क्वालिटी देख सकते हो कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। चलो एक और पेन चलाते हैं, देखते हैं वो कैसा चलता है और उसकी टिप क्या सेम है या अलग है। तो ये ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो इसकी टिप भी सेम है और काफी बड़ी टिप मिल जाती है दोस्तों, और चल भी काफी फास्ट रहा है, काफी अमेजिंग चल रहा है। ब्रश पेन है दोस्तों और मुझे तो ब्रश पेन काफी अच्छा लगता है दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारा सा दोस्तों एक गाइस हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सिंपल सी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में फ्रंट में तो दोस्तों हमें एक मिल जाता है रूलर, ये देख सकते हो रूलर मिल जाता है, एक कंपार्टमेंट भी मिल जाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर, काफी अमेजिंग है। दो मिलते हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलते हैं, एक कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें इरेजर मिल जाते हैं और एक कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स है, फ्रंट में दोस्तों हमें तीन कंपार्टमेंट मिल गए। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, काफी अच्छा स्पेस है, काफी गहरा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज किया 107 रुपीज का दोस्तों। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक क्रोकोडाइल वाली ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ओपन करते देखते कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो इसका लॉक देख सकते हो कितना जबरदस्त है, इसके लॉक को दोस्तों दोनों साइड स्लाइड करेंगे इस तरह से और फिर ये ज्योमेट्री बॉक्स ओपन होगी। ओपन होकर देखते हैं कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो ये देख सकते हो ढक्कन ओपन किया तो इस वाले नीचे वाले कंपार्टमेंट में दो सेक्शन मिल जाते हैं दोस्तों, और साथ ही एक मार्कर मिला है और एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। और व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो टेबल मिल जाता है हमें काफी जबरदस्त, और इसे हटाते हैं तो नीचे भी गाइस यहाँ पे भी हमें एक कंपार्टमेंट मिल गया और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। और इसका लॉक तो मुझे काफी जबरदस्त लगा दोस्तों, देख सकते हो कितना जबरदस्त लॉक है, फिर हम स्लाइड करके लॉक कर देंगे फिर हमारी ज्योमेट्री बॉक्स लॉक हो जाएगी, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज देखा था। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक स्काई ट्रैवल की ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने 100% नहीं देखी होगी। तो फ्रंट में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4 बटन मिलते हैं, चारों बटन पे कुछ ना कुछ लिखा है। तो पहले बटन पे इरेजर लिखा है तो बटन दबाते हैं, बटन दबाते ये देख सकते हैं कंपार्टमेंट निकला, काफी अमेजिंग, ये है इरेजर कंपार्टमेंट दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। सेकंड बटन पे सीजर लिखा है, सेकंड बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों सीजर कंपार्टमेंट निकल गया, अरे वाह काफी अमेजिंग। और ये तो है पेपर कट सीजर, काफी सुंदर सा यार, काफी जबरदस्त सा पेपर कट सीजर मिल गया सेकंड बटन को दबाते ही। तीसरे बटन पे लिखा है पेंसिल शार्पनर, तीसरे बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों ढक्कन ओपन हो गया यानी कंपार्टमेंट ओपन हो गया, और कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, एक सेक्शन में दोस्तों हमें एक शार्पनर मिल गया और एक सेक्शन में दोस्तों हम अपनी इरेजर या कुछ भी चीज रख सकते हैं दोस्तों। चौथे बटन को दबाते हैं जिसपे लिखा है टेप कटर, तो चौथे बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिल गया हमें टेप कटर, और वाह काफी अमेजिंग। और टेप कटर तो दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता, इसमें दोस्तों हमें टेप कटर मिल गया दोस्तों, सीजर कंपार्टमेंट मिल गया, काफी अमेजिंग है। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। ढक्कन ओपन किया तो यहाँ एक पॉकेट है जिसमें गाइस हम अपना क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं, साथ ही गाइस इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिल गया दोस्तों, काफी जबरदस्त और काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों पेंसिल लॉक मिल गया। और यहाँ देखो दोस्तों एक एरो का निशान बना है जिसपे लिखा है रूलर, और वाह इसे स्लाइड करते हैं तो ये क्या दोस्तों नीचे से निकला है एक रूलर, और वाह काफी अमेजिंग। और ये है दोस्तों 18 सेंटीमीटर का रूलर, काफी अमेजिंग, और हिडन रूलर है दोस्तों, काफी जबरदस्त हिडन कंपार्टमेंट है यार, काफी जबरदस्त रूलर का अलग कंपार्टमेंट मिल गया इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर यार, मुझे तो काफी जबरदस्त लगी ये स्काई ट्रैवल की ज्योमेट्री बॉक्स। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज कर लिया ओनली 350 रुपीज की दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारा सा एक पांडा का दोस्तों कलरिंग सेट दोस्तों, ये काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है, और इसकी क्वालिटी देखना कितनी जबरदस्त है। सबसे पहले तो देखो इसकी रबड़ हटानी पड़ेगी जब ये बुक ओपन होगी, बुक ओपन होते ही गाइस यहां देख सकते हो हमें कलरिंग बुक मिल गई, और कलरिंग बुक में दोस्तों ड्रॉइंग देख सकते हो कितनी सारी मिल गई दोस्तों, काफी सारे पेजेस मिल गए और हर पेजेस पे अलग अलग ड्राइंग यानी चित्र बने हैं, देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं यानी सेकंड कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे भी कलरिंग बुक मिला, और ये देखो दोस्तों यहाँ हमें मिला कलरिंग पेंसिल, और वाह काफी अमेजिंग, ये देख सकते हो कलर पेंसिल मिल गए, और कितने कलर पेंसिल मिले हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो कलर पेंसिल मिल गए, और 8 कलर पेंसिल में हमें डुअल हेड कलर पेंसिल मिल गई, और वाह काफी अमेजिंग। एक साइड ये देख सकते अलग कलर है और एक साइड अलग कलर है दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग, डुअल हेड कलर पेंसिल मिल
गई इस सेट के अंदर। और दूसरी साइड भी दोस्तों हमें कलरिंग बुक मिल गई, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग यार। इतनी जबरदस्त कलरिंग बुक तो दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखी थी। और इस सेट को दोस्तों मैंने परचेज किया ओनली 150 रुपीज का दोस्तों। तो ये था आज का कलेक्शन। आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो साथ, अच्छे से कलेक्शन और अच्छे से अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।